हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सब लोग ठीक होंगे, हम सब लोग भी ठीक है। देखो हमारे मोदी केयर के सर ईश्वर सर कितने अच्छी तरह से बता रहे हैं फायदे की बात। सुनते रहे, देखते रहे। ओके, थैंक यू। और कंपनी में क्या है, कोई भी सामान क्या है 20% में बन जा रहा है। क्या हो रहा है, कोई भी सामान हम मार्केट से ला रहे हो 30% में बन जा रहा है, लेकिन हमारे पास आते आते क्या हो जा रहा हो, MRP यानी कि 100% पे करके आ रहे हैं। अगर मान लो हम एक ही मार्केट लेते हैं, इसके MRP अगर 25 रुपए है तो 25 रुपए का ही ला दे। क्या आपको लगता है कंपनी में 25 का बना होगा? कंपनी में कम से कम 5 से 7 रुपए में बन गया, लेकिन हमारे पास आते आते 25 रुपए हो गया। क्यों हो गया? देखो कंपनी में 30 रुपए का बना, हमारे पास आते 5-5% जो ये बीच के बिचौले हैं, ये भी अपना मार्जिन लेंगे, ये फ्री में नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो 5-10-15-20% हमारे जेब का पैसा कहाँ चले गया, ये यहाँ बिचौलियों में चले गया, ठीक है। ये हो गया 50%। फिर भी हमें सामान 50% में मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, फिर भी हमें क्या मिल रहा है, 100% में मिल रहा है, यानी कि 50% पैसा और कहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है? प्रचार में। अच्छा प्रचार कौन कर रहा है? उम्मीद होते होंगे ना, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे वो ऐड कर रहे हैं, तो ऐड का करोड़ों रुपए यहाँ पे 50% पैसा कहाँ से जा रहा है, हमारी जेब से जा रहा है, कहीं ना कहीं वो हमारी जेब से वसूला जा रहा है, सब ये ग्राहक से वसूला जा रहा है। कुछ प्रॉफिट हो रहा है हमें, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि 50 और 20 कितना हो गया, 70% पैसा हमारा बिचौलियों में बढ़ जा रहा है। चैनल द्वारा हमारे पास सामान आ रहा है, बिचौलियों में बढ़ जा रहा है, ये लोग हमारे पैसों से पढ़ लेना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सामान कंपनी बना रही है और यहाँ पे सामान लेने वाला भी ग्राहक ही है, जो यहाँ पे 30% में सामान बन रहा है, यहाँ पे जो ये 70% ये बच जा रहा था, यहाँ पे 62% तो हमको रिटर्न वापस हो जाता है, सिर्फ घर की दुकान से एक दिन करने का प्रॉफिट बता रहा हूँ, ठीक है। और 8% ही मैनेजमेंट को चले जाता है, ठीक है। तो ये 62% हमको रिटर्न वापस कैसे होता है, थोड़ा सा मैं एक अंतर दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। जो के बाजार जहाँ से आप लोग सामान ले रहे हो, और ये हो गया मोदी के बाजार और मोदी के में थोड़ा सा अंतर देखते हैं, ठीक है। अब बाजार में क्या है, हमारा कोई रिसेशन नहीं है, कभी किसी शर्मा के यहाँ से ले आते हैं, किसी कभी जोशी के यहाँ से, कभी मॉल से, कभी किसी के यहाँ से, जहाँ से मर्जी वहाँ से उठा लाते हैं ना, यहाँ हमारा कोई रिसेशन नहीं है। और यहाँ पे एक फ्री में रेस्टोरेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे मेरा है 6960007588, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये फ्री में होता है, तो इसको आपको क्या प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। ऐसी जो आप नए लोग हो, आपका भी मान लो फ्री में बनता है, इसका एक आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो ये रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको भी ये फायदे मिलेंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ पहला फायदा क्या है, मार्केट में क्या होता है, MRP में सामान मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या होगा, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो 10-20% आपको MRP में छूट मिल जाएगी, सबसे पहला फायदा हो गया। फायदा क्या हुआ, 120 रुपए का सामान हमको सीधे सीधे 100 रुपए में मिल गया, 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब कभी आज तक आपको कभी ऑफर मिला आता है बाजार से सामान लेने से, नहीं मिला ना, लेकिन यहाँ पे आपको क्या होता है 10-15% यहाँ पे आपको ऑफर भी मिलता है। ऑफर कैसे मिलता है, 1000 की शॉपिंग में 100 रुपए का हम फ्री देते हैं, ठीक है। 2000 की शॉपिंग में 200 का फ्री, 3000 की शॉपिंग में 300 का, 5000 की शॉपिंग में 500 का, ये हमेशा फ्री देते हैं, ठीक है। नंबर तीसरा, क्या मार्केट से सामान खरीदने से कभी आपका कैशबैक आया अकाउंट में, नहीं आया ना, लेकिन यहाँ पे आपको 7-16%
यहाँ पे 7 से 16% कैश बैक भी आता है हर महीने की 9 तारीख को। सामान खरीदने से 7 से 16% हर महीने की 9 तारीख के आपके अकाउंट में कैश बैक भी आता है। ठीक है, नंबर चौथा फायदा, क्या मार्केट में सामान खरीदने से कभी सामान की गारंटी मिली आपको? सामान की गारंटी मिली नहीं मिली ना, लेकिन यहाँ पे 100% सामान की गारंटी है। अगर सामान आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप 10 से 20% सामान यूज करने के बाद भी आप वापस कर सकते हो। ये नहीं कि इसका कलर पसंद नहीं आ रहा है, इसका कोई एक पर्पज बताना पड़ेगा कि इस कारण मैंने वापस किया। ठीक है, अच्छा एक पांचवा फायदा, अच्छा मार्केट से सामान लेने से कभी आज तक किसी महीने किसी दुकानदार है किसी मॉल वाले ने किसी कैंटीन से कहीं से भी आप सामान लाते हो कभी फ्री मिला है? कभी नहीं मिला ना फ्री। लेकिन अगर आपने फ्री में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, मोदी के ऐप में फ्री में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो हमारे यहाँ से एक परमानेंट ग्राहक हो, ईमानदारी दिखाते हो, एक अगर आपको सामान अच्छा लग रहा है, आप हमारे परमानेंट ग्राहक बनी हो, तो हम आपको साल में 3 बार बिल्कुल फ्री का सामान देते हैं। तालियां हो सकती है इसके लिए, आपसे एक रुपये नहीं लिया जाएगा। साल एक मिलता है 6 महीने के बाद 7वें महीने फ्री, और दो बार का मिलता है 13वें महीने, 13वें या 14वें महीने में आपको फ्री। ठीक है, तो ये है ये अंतर बाजार में और इसमें। अब अच्छा आप लोगों को लग रहा होगा, कुछ नए लोग होंगे वो कह रहे हूँ, सोच रहे होंगे यार इतने फायदे हमें कंपनी क्यों दे रही है, इसको क्या फायदा हो रहा कंपनी को, आ रहा है ऐसा दिमाग में? ऐसा इसलिए हो रहा है, आप क्या हो रहा है वहाँ पे जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहा था वो पैसा बच गया, तो किसको दे दिया? कस्टमर को दे दिया, ग्राहक को दे दिया। ठीक है, अब देखो क्या बताया मैंने, 10 से 20% क्या होगी आपको एमआरपी में छूट होगी, 10 से 15% का ऑफर, और 7 से 16% कैशबैक, और 100% गारंटी, और साल में 3 बार फ्री मिलेगा। ठीक है, क्या ये फायदे लेने चाहिए? सिर्फ एक घर की दुकान चेंज करने का प्रॉफिट बता रहा हूँ, अभी हमने कुछ नहीं किया है, बस पहले जोशी की यहाँ से ला रहे थे, वहाँ छोड़ के आप मोदी की ऐप से लाने लग गए, बस इतने फायदे आपको मिलने ही मिलने हैं। आप किसी को बताओ ना बताओ, तब भी आपको ये सारे फायदे मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, अब देखते हैं 60% छूट कैसे मिलती है। ठीक है, एक होता है एमआरपी, एक होता है डिस्काउंट प्राइस, एक होता है बिजनेस वॉल्यूम, एक होता है पीवी। ठीक है, मान लो किसी चीज के एमआरपी 64 रुपए है, आपको वो पड़ेगा 54 रुपए में। ठीक है, ठीक उसका आधा 27 बिजनेस वॉल्यूम, इसके आधार पे हमारे क्या होता है अकाउंट में पैसा आता है कैशबैक। ठीक है, एक पीवी होता है, इसके आधार पे हमारा लेवल तय होता है कि हमें किस लेवल का पैसा मिलेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारा 0 पड़ेगा तो ये 0 ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे 0 बढ़ते हैं तो ये हमारे ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। पहला लेवल होता है 7%, फिर होता है 10%, फिर होता है 13%, फिर होता है 15%, फिर होता है 16%, फिर उसके बाद 16% के बाद एक महीने में अगर 1100 पीवी कर लेते हो तो डायरेक्टर बन जाते हो। ठीक है, आप देखते हैं कि अगर आप ईमानदारी, जैसे लॉयल्टी में ना 60% मैंने कहा छूट मिल जाती है आपको, लॉयल्टी एक ईमानदारी का फायदे दिखाता हूँ मैं। मान लो एक घर का खर्चा, ठीक है, एक मान लो एक घर का खर्चा 3600 रुपए का आ रहा है मार्केट से आपका आ रहा है, एवरेज ले रहा हूँ मैं, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी का 5 आ रहा होगा, किसी का 10 भी आ रहा होगा, किसी का 2 भी आ रहा होगा, ये सिर्फ मैं एवरेज ले रहा हूँ। ठीक है, कोई आप मोदी के ऐसे लोग बाजार से ले रहे थे एमआरपी में 3600 का आ रहा था, अब मोदी के ऐसे लोग तो आपको 10 से 20% एमआरपी में क्या हो रही छूट मिल रही, तो 3600 का सामान आपको कितने में पड़ गया? 3000 में पड़ गया, तो आपकी बचत कितनी होगी यहाँ पे? 600 रुपए हमारे बच गए सीधे। ठीक है, आप 3000 की शॉपिंग कर रहे हो तो मैंने बोला 10 से 15% आपको ऑफर मिलेगा। ठीक है, 3000 में 300 का मैंने आपको गिफ्ट दे दिया, 300 ये भी बचत होगी हमारी। ठीक है, 3000 की शॉपिंग में 7% पहला लेवल 7 होता है तो 15
ठीक 3000 है, ठीक आधा 1500 बिजनेस होने 1500 ₹100 हमारे अकाउंट में आ गए। एक महीने की बचत कितनी होगी देखो, 6 3 9 10 एक महीने की बचत कितनी होगी 1000 होगी। अब देखो हमारा हर महीने एग्जांपल हर महीने हमारा 3000 का आ रहा है, कितने महीने तक, 12 महीने तक। बाकी यहाँ एक साल का खर्चा कितना हो गया हमारा 36000, ठीक है, एक साल का हमारा 36000 का हो गया। अब देखो यहाँ पे अब एक महीने की बचत कितनी है 1000 रुपए, तो 12 महीने में कितने बच जाएंगे 12000 रुपए हमारे यहाँ पे बच गए, ठीक है। अब मैंने बोला साल में 3 बार सामान मैं आपको कितनी दूंगा यहाँ पे बोला ना, तो एक महीने का हमारा खर्चा कितना 3000 है, तो 9000 का सामान मैं आपको दूंगा। अगर आपका ज्यादा का आ रहा है, मान लो 7000 आ रहा है एक महीने का, 21000 तक का फ्री मिलेगा। अगर 5000 का 15000 का फ्री मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3000 का खर्चा है, तो एवरेज हमारा 3900 का हमको फ्री मिल गया, और 12 और 9 कितना हो गया 21000 रुपए हमने क्या कर दिया आपको वापस कर दिए। आपने खर्चे कितना करा था 36000, 36 में से 21 गए तो कितना हुआ 15000 रुपए में आपका एक साल का खर्चा चल गया। एक महीने का देखो तो 1250 रुपए का खर्चा आ रहा है, मार्केट में कितने का आ रहा था 3600 का, यानी कि 15 दिन यानी कि 60% की छूट मिल गई आपको। सीधे सीधे शब्दों में देखें ये पीएसटी है, ये पीएसटी की एमआरपी है 85 रुपए, ठीक है। अगर यहाँ पे 60% छूट मिल गई हमको इसमें एमआरपी में, तो कितने का पड़ गया हमें पीएसटी 35 से 40 रुपए का पड़ गया। एक पेस्ट 100 ग्राम का पेस्ट है, मिलना इतना बड़ा पेस्ट मार्केट में ना, तो और इससे और भी बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। तो कोई 500 का है मान लो एग्जांपल, 500 की नोनी है, हम किसी पड़ोस में कोई नोनी मांगता है तो हम 500 की दे देते हैं ना, लेकिन उसमें हमको कितनी की पड़ती है 250 की पड़ती है, सीधे सीधे 250 रुपये कमा लेते हैं एक प्रोडक्ट से हम। अगर हम 500 के भी दे रहे हैं ना, फिर भी उसमें हम लॉयल्टी, क्योंकि हम तो लॉयल्टी के हिसाब से ला रहे हैं ना, तो हम उसमें 250 रुपये कमा लेते हैं सीधे सीधे। तो ये क्या है, ये घर की दुकान चेंज करने के प्रॉफिट है। तो यहाँ पे कहीं कंफ्यूजन लग रहा है, कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है, कोई कहीं पे शक नहीं लग रहा, ये दो बार मिलेगा, डबल मिलेगा, डबल 6000, 3 बार दिया, 14वें महीने में भी ले सकते हो आप, उसमें भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। कूपन 3 आएंगे उसमें अलग अलग, ठीक है। तो ये है प्रॉफिट, मतलब 60% तक का एक हर प्रोडक्ट में आपको 60% तक का छूट मिल गया, ठीक है। अब जैसे ये जो आप लोग सबको जानते हैं ना, तो ऐसे लोगों को हमने 10 लोगों को बता दिया, हमारे कहने पे उनने भी यूज कर लिया, ठीक है। तो 10 लोगों ने 3000 की हमारे कहने पे उन्होंने भी शॉपिंग कर लिया, तो कितनी की खरीद हो जाएगी 30000 की खरीद हो जाएगी हमारी दुकान से। कहीं का भी ऐसा नहीं, हल्द्वानी का ही हो, कोई दिल्ली में है दिल्ली से ही खरीदे, कोई अल्मोड़ा अल्मोड़ा से खरीदे, कोई हल्द्वानी हल्द्वानी से खरीदेगा, कोई रुद्रपुर, जो जिसके रिश्तेदार वही बोल दो वो खरीदेंगे, तो एक अपने नीचे आईडी